हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रबर के प्लांट की कलम किस प्रकार लगाई जाती है, अर्थात जो रबर का पेड़ होता है यदि हमें उसको तैयार करना हो तो कलम की विधि से भी हम उसको तैयार कर सकते हैं और ये विधि अत्यंत सरल है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको किस प्रकार से लगाया जाता है। दोस्तों, सामान्यतः सब आप जानते ही होंगे कि जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिनको काटने के बाद दूध निकलता है उनकी कलम को हम सरलता से लगा सकते हैं। तो रबर का पेड़ जो है उसके काटने के बाद भी इसके अंदर से दूध निकलता है तो इसकी भी कलम लगती है, और लगाने के लिए यदि आप ज़मीन में लगाना चाहें तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और यदि आप थैली में लगाना चाहें तो थैली में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको थैली में लगाने जा रहा हूँ, तो आपके पास आवश्यकता है एक थैली की, सामान्य गार्डन सोइल, उसमें यदि कुछ खाद मिला है तो ठीक है, वरना पत्तों आदि का खाद ही काफ़ी होता है, क्योंकि हमारे गार्डन सोइल का मतलब ही ये होता है कि उसके अंदर जो खाद बनाने की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, क्योंकि पेड़ों से पत्ते झड़ते रहते हैं और उनसे खाद बनता रहता है, और केंचुए हमारे जो मित्र हैं वो खाद बनाने की प्रक्रिया में हमारी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए कि हमने इसके पत्तों को थोड़ा दूर से काटा है, तने के पास से नहीं काटा, थोड़ा दूर से काटा है, और नीचे हमने ना तो कोई रूटिंग ट्रीटमेंट किया है कि भाई जिससे जल्दी रूट आ जाएं, जैसे रूटेक्स या रूटडेक्स हार्मोन कोई लगाया हो, ना ही हमने इसको और कुछ लगाया है। और ये जो थैली है दोस्तों, इसमें हम सामान्य गार्डन सॉइल जो है इसको भर लेते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर ये जो कलम है ये लगा देते हैं, और बाकी जो खाली जो स्थान बचा है इसको हम मिट्टी से भर लेते हैं। दोस्तों, हमने थैली को भर के अच्छे से मिट्टी को दबा दिया है, अब इसके अंदर हम एक कोने से पानी को डाल देते हैं। पानी को इतना डालिए कि अच्छे से एक बार ये नम हो जाए, और उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए। जब इसकी सतह पुनः सख्त हो या टाइट हो जाए तो उसको आप दोबारा पानी दे दें, लेकिन ये ना रखें कि हमेशा ही पानी दें। और आप देख पा रहे हैं कि थैली में मैंने चारों तरफ छेद कर दिए हैं, इन छेदों से जो एक्सेस वाटर है, जो अधिक पानी है, वो बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारी जो रूट्स जो डेवलप होंगी वो गलेंगी नहीं, अच्छे से बनी रहेंगी। और दोस्तों, ये जो पत्तों के नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कुछ समय बाद इसको अपने आप छोड़ करके नीचे गिर जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारी अपडेट है इस पौधे की, कि इसमें जो है नए पत्ते और नई कोंपलें निकलनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, इसको थोड़ा समय तो लगा है, लेकिन ये हमारा जो पौधा है वो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्वस्थ है दोस्तों। और ये उससे अगली अपडेट आपके सामने, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा पौधा जो है बहुत ही अच्छा है, अच्छे इसने जो है 4-5 पत्ते निकाल लिए हैं और स्वस्थ है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो पसंद किया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। नमस्ते जी।